पहुंची, लेकिन मास की जानिब से आज फाइनल मैच में कुछ परफॉर्मेंस मुझे अच्छी नज़र नहीं आई। मुझे लगा था कि एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम मैं लेता चलूँ। अरशद आलम है यहाँ पे हमारे साथ मौजूद, उसके साथ शहजादा आलम है, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। उसके बाद सोहेल सोहेल बख्श जो है वो भी हमारे साथ गेस्ट रहेंगे। प्लीज़ अगर आप हैं तो आ जाए। तो सबसे पहले स्पॉन्सर हमारे ग्रीक एजेंसी, उसके बाद एमी एंड सन्स, बाबा टेक्नोलॉजी, उसके अलावा स्ट्रोक्स, ये सारे हमारे स्पॉन्सर हैं और इनकी बड़ी मेहरबानी। मियर सन्स के लिए एक स्पेशल ट्रॉफी है जो यादगार के तौर पर उनके साथ जाएगी। प्लीज़ ये इन्हें पेश करें। सोहेल भाई रिसीव करवाएंगे ये ट्रॉफी, स्पेशल ट्रॉफी इस टूर्नामेंट की याद दिलाएगी आपकी। मुझे लगता है अंकल अपने खुद ले जाएंगे ये ट्रॉफी। और दूसरी ट्रॉफी मियां सन्स के लिए, और स्पॉन्सर हमारे ग्रीक एजेंसी एजेंसी के लिए भी एक वो मौजूद नहीं है, ये हमारे गेस्ट जो है उन्हें पहुंचा देंगे। उसके बाद बाबा टेक्नोलॉजी, इनके लिए भी ये स्पॉन्सर के लिए एक शील्ड है, वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। और इसके अलावा स्ट्रोक, वो भी मौजूद नहीं है। तो हम यकीनन सेरेमनी में आगे की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हमारे अंपायर्स जिन्होंने आज इस पूरे ऑफिशियल से टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया, मतलब तरीके से फिनिश किया। सबसे पहले हमारे अंपायर आदिल यहाँ पे अगर मौजूद है, आदिल के लिए स्पेशल बैग आप सर इन्हें ये रिसीव करवा दें। इस टूर्नामेंट की याद इनके साथ रहेगी, इस बैग के साथ। और एक और जिम्मेदार नाम जो कि इस पूरे टूर्नामेंट में बड़ी जिम्मेदारी के साथ सारे काम करता रहा, स्कोरर मिस्टर जहाजेब, सर आप इन्हें ये बैग रिसीव करवा दें। जहाजेब आप आएंगे। और इसके क्योंकि हमारे ग्राउंड मैन अगर यहाँ पे हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ आपके लिए भी एक छोटा सा गिफ्ट ताहिर आपके लिए भी मौजूद है, तो ये आप रिसीव करवा दें इनको भी। और अब मैं जाऊंगा इस टूर्नामेंट की जो परफॉर्मेंस है उसके लिए। सबसे पहले बेस्ट फील्डर ये है उस्मान उस्मान राहिल, प्लीज़ उस्मान रशीद अगर मौजूद है तो ये प्लीज़ रिसीव करें। नबील प्लीज़ आप ही रिसीव कर लें, उस्मान रशीद का ये अवार्ड है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। और एक और अवार्ड मुझे लगता है कि ये शायद पिछले सीजन भी में भी इनके पास ही रहा था, बेस्ट बॉलर यासिर मंजूर। सुहेल भाई प्लीज आप इन्हें ये रिसीव करवाएं, यासिर मंजूर बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। एक और अवार्ड इस पूरे टूर्नामेंट का बेस्ट बैटर यहाँ पे है मोहिब इमरान। मोहिब इमरान शानदार परफॉर्मेंस के साथ इस दफा बेस्ट बैट्समैन रहे। दानिश अलवी प्लीज उनका ये अवार्ड रिसीव कर लें क्योंकि मोहिब इमरान यहाँ पे मौजूद नहीं है। दानिश अलवी की भी फाइनल में बड़ी खदमात रही, बड़ी शानदार दो ओवर किए जिसके बदौलत मास फाइनल से लगभग दूसरे ओवर के बाद ही हिम्मत हार चुका था। और अब फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच कोई और नहीं, हमजा जमील। स्पेशल कैप हमजा जमील की साथ जाएगी, पाकिस्तान का नाम और स्टार के साथ ये रिसीव करेंगे हमजा जमील फाइनल के मैन ऑफ द मैच। हमजा इस टाइम बिल्कुल इंजमाम लग रहे हैं, एक टाइम पे इंजमाम ऐसे ही अवार्ड लेने के लिए आते थे और वो झुक के साथ तस्वीरें बनवाते थे क्योंकि लंबे बहुत थे और गैस जो छोटे हुआ करते थे। तो अब कैप्टन के लिए मैं बात करूंगा जो कि प्लेयर तो टूर्नामेंट रह गया, प्लेयर तो टूर्नामेंट यहाँ पे है हसीब नदीम। हसीब शानदार परफॉर्मेंस, अगर हसीब मौजूद है तो प्लीज़ यकीन आज पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन प्लेयर है। आप तीनों मिलकर ये अवार्ड रिसीव करवाएंगे, एक शील्ड है एक बैग है जो इनके साथ जाएगा इस सीजन टू में, एक कैप एक बैग और एक शील्ड, ये सारी चीजें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस रही इस पूरे टूर्नामेंट में। तो
ये भी आपके साथ जाएगा। और अब रनर अप कैप्टन मियां एंड सन्स के कप्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो हमें टाइम दे, थोड़ा सा फरहान है, फरहान प्लीज, फरहान प्लीज। कप्तान ने खाली इंतजार करते करते फरहान सो गए थे, तो कप्तान फरहान को आना पड़ेगा। पहले तो हमारे गेस्ट, आपसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ी सी बात करूंगा। एक शानदार मुकाबला है, 15 टीमों में आपने क्वालिफाई किया, फाइनल तक कोई आसान नहीं होता, और आज आप फाइनल खेले, लेकिन फाइनल में जो आपकी परफॉर्मेंस थी वो मुझे जाने क्यों ऐसा लगा कि जैसे बल्ब फ्यूज हो गया, क्या कहते हैं? कोई बल्ब कोई फ्यूज यूज नहीं हुआ, लड़के थोड़े थके हुए थे, मैं शेर के बच्चे। तो आपको ये करना चाहिए, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा स्टे कर सकते थे, थोड़ी देर टाइम निकाल के। खैर, एक अच्छा मुकाबला रहा और आपकी टीम ने आज फाइनल खेला, तो आपके लिए स्पेशल प्राइजेस है हमारे पास, बैग है, एक कैप है और एक ट्रॉफी है रनर अप टीम के लिए, फरहान मी एंड सन्स। तो एक शील्ड रनर अप ट्रॉफी की सीजन 2 की, एक बैग और एक कैप, ये सारी चीजें फरहान के साथ जाएंगी। रुक जाए फरहान, कम से कम 100-150 तस्वीरें बनवानी है आपकी। बैडन फरहान, आपकी टीम रनर अप नहीं, लेकिन शानदार मुकाबला रहा, इस 15 टीमों में फाइनल में पहुंचा कुछ आसान नहीं था। तो अरब आखिरी अवार्ड, मैं विनिंग टीम के कप्तान अलहमरा के याया से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो यहाँ पे आए। याया ने आज इनिंग खत्म करने के टाइम पे आखिरी बॉल पे जो छक्का मारा है, इस पूरे जितने भी मैच लाइव है उसमें वो मैच, वो सारे मैचेस और वो छक्का एक तरफ, और फाइनल का ये छक्का याया का एक तरफ। याया कैसे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे? बहुत शानदार मुकाबला रहा, एक लम्हे में 4 ओवर में सिर्फ 25 रन थे और आखिरी ओवर में 25 रन लिए, और आखिरी बॉल पे जो आपने छक्का मारा वो मुझे लगता है वही मैच विनिंग के लिए काफी था। नहीं सर, वो अंडर एस्टिमेट करते हैं, मैंने कहा कभी चलो मौका मिला एक लगा ही दूं। चलो जिन्होंने मौका दिया कि लग गया, लेकिन बहुत शानदार छक्का था, मैंने उसको दो बार रिप्ले देखा उसका, बिल्कुल परफेक्ट आपने मेडल किया और उसको कन्वर्ट किया छक्के में। कैमरामैन को बोलिएगा वीडियो मुझे भेजने ताकि मैं भी थोड़ा लगाऊं। चलो मैं इंशाल्लाह भेजूंगा। और बड़ा शानदार मुकाबला रहा फाइनल में, आपने जो प्लान किया था वो क्या था? सर प्लान अकॉर्डिंग टू वही था, पहले सोचा था टॉस जीत के फील्डिंग कर लें, मैंने कहा जैसे चल रहा है चलने दो, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाबे बड़े शानदार हैं सारे, मेजॉरिटी एज 38-39 और सारी 38-39 है, तो अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू अल्लाह। आपकी टीम का मैंने देखा है पिछला सीजन भी आपने जीता, कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा था और जिसकी वजह से इस बार भी आपको कामयाबी मिली, पिछला सीजन भी आप जीत चुके हैं, केज क्रिकेट का ये दूसरा सीजन था और ये भी बड़ी शानदार तरीके से आपने जीता, तो मैं आपको इस बार खुशामदीद कहता हूँ। और आपके लिए कुछ राय थे, उनके साथ जाएंगे, बैग है आपके लिए और एक कैप है स्पेशल और एक ट्रॉफी, विनिंग ट्रॉफी भी आपके साथ जाएगी। मैं नबील को खास मुबारकबाद देता हूँ और जानजेब भाई जिन्होंने हमारी बड़ी सुनी है, हमारे मैच के लिए इन्होंने बड़ी एफर्ट की है, ये घर में भी बहुत सुनते हैं, कोई इशू नहीं है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट वन। और अब विनिंग ट्रॉफी के साथ साथ नबील हमारे लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक चीज और ऐड करता चलूं इसके अंदर, जो दोनों टीमों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया है उनके लिए, सबके लिए मेरी तरफ से हैट्स ऑफ है, और इसी तरीके से मेरा ये दिल है कि यार जो हमारी बरादरी की और मजीद टीम्स हैं वो इसी तरीके से सपोर्ट करें ऑर्गेनाइजर्स के लिए, एक तो बूस्टअप मिलता है हमें कि यार इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो और उसके बाद टीमें कोऑपरेट करें, तो ये बहुत हमारे लिए अच्छा है। दोनों टीमों के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, थैंक यू थैंक यू। तो यार भाई विनिंग ट्रॉफी इसके साथ में बैग और एक कैप अपनी साथ रिसीव करेंगे चिनोट क्रिकेट लीग सीजन 2 के विनर एक बार फिर अलहमरा, कप्तान याया मौजूद है हमारे साथ, तमाम गेस्ट ये सब मिलके ही नहीं है रिसीव करवाए, और तमाम टीम से भी रिक्वेस्ट है कि वो लोग आ जाए ताकि एक ग्रुप फोटो बन सके आपका चैंपियन के स्कॉर्ड के साथ, तमाम टीम और गेस्ट के साथ हम ये तस्वीर बनवाएंगे, छोटे छोटे चैंपियन के बोर्ड यहाँ पे बने हुए, और आ जाए आप पूरी टीम इस गेस्ट के साथ ये तस्वीर बनवाएगी।
तो इस चैंपियन फोटो के साथ मुझे आमिर खान को दे इजाजत एक बार फिर सीजन 2 की चैंपियन अलहमरा से। थैंक यू।